न्यायालय के ऊपर से हट रहा था जनता का विश्वास। सीजीआई चंद्रचूड़ ने फिर जीता लोगों का दिल। संजय सिंह के पिता ने कहा, जज हो तो ऐसा। जब जनता का न्यायालय से हट रहा था विश्वास, तमाम संस्थाएं मोदी सरकार से डरी और थी सहमी। उसी दौरान डीवाई चंद्रचूड़ बने चीफ जस्टिस। चंद्रचूड़ ने उसी वक्त कहा था कि जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः करेंगे मजबूत। सीजीआई बिना डरे निडर होकर लिए एक से एक बड़े फैसले। सरकार के खिलाफ भी फैसला सुनाने में नहीं दिखाई तनिक भी हिचक। सरकार की ओर से किए गए तमाम तरीकों के हमले को भी दिया मुंहतोड़ जवाब। सीजीआई ने अपनी ईमानदारी से नहीं किया कोई समझौता। आज यही वजह है सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का बढ़ रहा है भरोसा। सीजीआई के हालिया फैसलों ने बटोरी है खूब सुर्खियां। तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनमानस ने भी सीजीआई के फैसले को है जमकर सराहा। अब संजय सिंह के जमानत के बाद संजय सिंह के पिता ने भी सीजीआई की है खुलकर तारीफ। संजय सिंह के पिता ने सीजीआई को लेकर क्या कहा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। संजय सिंह के पिता ने सीजीआई को दिया धन्यवाद। संजय सिंह को बिना किसी सबूत के महीनों जेल में रखा गया। उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। संजय सिंह के खिलाफ ईडी एक रुपए का भी घोटाला साबित नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जमानत दे दी। तकरीबन 6 महीने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली। इसके बाद उनके गृह जनपद सुल्तानपुर में खुशी का माहौल है। संजय सिंह के पिता बचपन के दोस्तों ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का धन्यवाद व्यक्त किया है। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा, मैं अपने परिवार की तरफ से चंद्रचूड़ साहब का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सीजीआई ने सत्य की जीत का फैसला किया है। सीजीआई ने जो कहा वह कर दिखाया। दिनेश सिंह ने सीजीआई की तारीफ करते हुए कहा, विगत कुछ समय से जनता का विश्वास न्यायालय से हट रहा था। तमाम संस्थाएं मोदी के नाते डरी और सहमी हुई थी, लेकिन जब से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हुए, सीजीआई ने कहा था जनता के खोए विश्वास को मैं पुनः मजबूत करूंगा। इसी कड़ी में सीजीआई ने यह फैसला सुनाया है। मैं परिवार की तरफ से चंद्रचूड़ साहब का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका अनुग्रहित हूँ। उन्होंने सत्य की जीत का फैसला किया है। पूरे देश में जब लोगों का एक वक्त न्यायालय से विश्वास हटने लगा, तब जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बने हैं, उसके बाद से लोगों का भरोसा फिर से कायम हुआ। संजय सिंह के पिता ने सीजीआई की जमकर तारीफ कर दी। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए बेताब। संजय सिंह की जमानत के बाद अब यह मैसेज पूरे देश में फैल गया, मोदी सरकार जांच एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में बंद कर पार्टी तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बीवी परावली की बेंच ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को पिछले दिन रिहा करने का आदेश दिया। बेंच ने कहा, आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। संजय सिंह की रिहाई ऐसे समय में हो रही है जब आपके सामने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व का संकट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद है।